यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ा अपडेट ये कि किसानों के आंदोलन के बीच कृषि कानून के समर्थन में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी। उतर चुकी है, बल्कि आंदोलन का जवाब किसान सम्मेलन से देने की तैयारी है बीजेपी की। बीजेपी नेता 5 जगहों पर कानून के समर्थन में सम्मेलन करेंगे। बीजेपी नेता किसानों को गिनाएंगे कृषि कानून के फायदे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल रहेंगे। 20 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है, सरकार और किसानों के बीच टकराव बना हुआ है। आज आगे की रणनीति तैयार करेंगे किसान और बीजेपी किसान मोर्चा आज कृषि मंत्री से मुलाकात करेगा। कृषि कानून को लेकर मुलाकात करेगा बीजेपी का कृषि मोर्चा। इधर उत्तर प्रदेश में 5 जगहों पर किसान सम्मेलन उत्तर प्रदेश बीजेपी करने जा रही है। आंदोलन का जवाब सम्मेलन से, यह है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। 5 जगहों पर बीजेपी नेता आज किसान सम्मेलन करेंगे। केंद्र की भी सत्ता में बीजेपी है और प्रदेश की भी। लखनऊ चलते हैं, अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुभव से हम विस्तार में समझते हैं। अनुभव, अभी हम जब सुबह बात कर रहे थे तो आपने बताया भी, और यह सच है कि जब भी ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि किसी विरोध का सामना हो रहा है या बातचीत उसमें सफल होती नहीं दिखाई दे रही है, तो विरोधी लोगों से या आंदोलनकारियों से या प्रोटेस्टर्स से, तो वो जनता से सीधे संवाद करने की रणनीति और खाका तैयार करते हैं, और इस बार भी वही हुआ है। लेकिन पिछले अनुभव और इस अनुभव में क्या अंतर है? चूंकि इस बार हमने देखा है कि सरकार का और पार्टी का जो स्टेटमेंट रहा है, अब तक जो वक्तव्य रहे हैं आधिकारिक या अनौपचारिक, वो दोनों बहुत नरम रहे, किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने वाले रहे। ये पिछले और अब के अनुभव में फर्क है अनुभव? देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी हमेशा यही कहती है कि सबसे ज्यादा अगर मोदी सरकार में किसी के लिए काम हुआ तो वो किसानों के लिए हुआ है। और खुद यूपी प्रभारी और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कल ये कहा कि सबसे ज्यादा अगर कोई खजाना मोदी सरकार का खुला है तो वो किसानों के लिए खुला है। लेकिन इन सब के बावजूद भी किसान नहीं मान रहे हैं। आज उनके आंदोलन का 20वां दिन है, 5 बार की जो वार्ता है वो फेल हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई, या तो समझाने में चूक रह गई, किसानों को बताने में चूक रह गई कि ये जो तीनों कृषि बिल हैं इसमें किसानों के अगेंस्ट कुछ नहीं है, किसानों के खिलाफ कुछ नहीं है, ये बल्कि किसानों के फायदे के लिए है। शायद यहीं पर थोड़ी चूक हुई, और यही वजह है कि जब बातचीत नहीं बनी तब पार्टी ने ये तय किया कि पूरे देश में 700 से ज़्यादा किसान सम्मेलन किए जाएंगे, और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में आज 5 किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं। और राजेंद्र, कल इसकी संख्या दुगनी होगी और 17 तारीख को इसकी संख्या इससे भी ज़्यादा होगी। 18 दिसंबर तक ये पूरा कृषि सम्मेलन, किसान सम्मेलन उत्तर प्रदेश में बीजेपी करेगी। 17 तारीख को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में रहेंगे, वहाँ किसानों के साथ संवाद करेंगे। तो जो बात आपने कही कि पहले का जो एक्सपीरियंस था इनका और इस बार का जो एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बड़ी खबर। अनुभव, आपको रोक रहे हम, एक बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से अपील की है, हम वो चेंजेस करने के लिए तैयार है, इस विषय को राजनीति से दूर सपने रखेंगे तो किसानों की भलाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता अन्ना हजारे जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो सच्चाई है वो निश्चित रूप से हम किसानों के बारे में हमने कोई आहित नहीं किया। अभी मंडी में बेचना है कि व्यापारियों को बेचना है कि और किसी को बेचना है, ये किसान का अधिकार है। मुझे बताइए कि आपका चैनल सबको न्यूज सप्लाई करता है, अब कौन सी न्यूज लेना या नहीं लेना उसका अधिकार है, आपने बाजार में डाल दिया तो ये इसमें फर्क क्या है? किसान भी अपना माल जो ज्यादा भाव देगा उसको बेचेगा। मुझे लगता है कि किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे, और देखो संवाद होता है, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है, और विसंवाद नहीं होता है तो विदंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव हैं,
हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा, तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और हम किसानों के हित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने किसानों से बातचीत की अपील की। अभी अभी आपने देखा, उन्होंने कहा कि संवाद से तमाम समस्याओं का हल निकल सकता है। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, लगातार हमें किसानों के आंदोलन पर रिपोर्ट करते रहे हैं, आज फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह। अविनाश, आज सुबह का क्या दृश्य है? क्या पिछले 19 दिनों से कुछ अलग है या वैसा ही है? लगातार जो है कोशिश जारी है सरकार की ओर से। देखिए, अभी एक अटेम्प्ट हमने दिखाया अभी दर्शकों को। जरूर राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से स्थिति अब तक बनी हुई थी उसी तरीके से स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के तमाम सारे बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। अगर बात करें तो केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है बातचीत करने की, और इसी कड़ी में केंद्र सरकार अब उन किसानों से भी बातचीत कर रही है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। अगर बात करें तो परसों उत्तराखंड से कई सारे किसान आए थे जिन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अपनी बात रखी। तो वहीं कल महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान केंद्रीय कृषि मंत्री के पास पहुंचे थे, इसका समर्थन दिया था। और आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तमाम सारे किसान हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर के नेतृत्व में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे और उनको इस बिल के प्रति समर्थन व्यक्त करेंगे। तो अब जिस तरीके से 40 किसान नेताओं से केंद्र सरकार बातचीत कर रही थी वो नहीं माने। केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमने अपना प्रस्ताव जो तमाम सारे किसान नेता हैं इनको दिया है, अब किसान नेता क्या चाहते हैं वो अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को दे तो फिर बातचीत की आगे बात बनेगी। लेकिन किसान नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिल वापसी या तो बिल नहीं वापसी, उन्हें हाँ या ना में जवाब चाहिए। यहीं पर बात नहीं बन पा रही क्योंकि केंद्र सरकार बातचीत के लिए बीच का समाधान निकालना चाहती थी लेकिन तमाम सारे किसान नेता इस समाधान के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं अगर बात करें तो केंद्र सरकार अब ऐसे तमाम सारे किसान संगठन से भी मिल रही है और किसान नेताओं से भी मिल रही है जो इस बिल के समर्थन में है या जिनके अंदर थोड़ी शंकाएं हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ी शंकाएं हैं इस बिल को लेकर, तो उनकी शंकाओं को समाधान करने की कोशिश कर रही है और उनका समर्थन लेने की कोशिश कर रही है। यही केंद्र सरकार अब रणनीति अपनाते हुए तमाम सारे किसान नेताओं से मुलाकात कर रही है। ठीक है अविनाश, नितिन के पास चलेंगे। आगरा, आपने एक महत्वपूर्ण अपडेट दी थी, बहुत सारे किसान नेता राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो है बीजेपी का, उसके अध्यक्ष के नेतृत्व में जाकर कृषि मंत्री से मिलेंगे और अपना समर्थन व्यक्त करेंगे इन कृषि कानूनों के लिए। नितिन, क्या आगरा में भी अब इस प्रकार के किसान नेता या किसान गुट या किसान दल या किसान आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इस कानून के समर्थन में है? देखिए, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में तो कमोबेश ज़्यादातर जितने किसान लोग हैं वो लगातार कल भी उन्होंने प्रदर्शन किया और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका भी सपोर्ट रहा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर, जो फतेहपुर सीकरी से सांसद हैं, वो आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कई सारे किसान नेताओं के साथ मिलने वाले हैं। कुल मिला के सरकार की रणनीति अब कारगर साबित हो रही है। किसान नेताओं में लगातार फूट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे में जिस तरीके से जो संवाद निकल कर सामने आया, कैमरे में कैद हुआ है और उन्होंने अपने पिता से जो जिस तरह से जहां प्रदर्शन स्थल पर ही कहा कि पिताजी अब मैं चलाऊंगा इस आंदोलन को, क्योंकि उन्होंने रास्ता खोलने की रजामंदी दे दी थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के बाद। कुल मिला के सरकार इस फूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि आज तमाम किसान नेताओं के साथ राजकुमार चाहर, आज जो फतेहपुर सीकरी सांसद हैं, वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलेंगे और वो किसान नेता अपना समर्थन सरकार को देंगे। कुल मिला के एक तरफ इस पूरी तरह से नई रणनीति के तहत सरकार सामने निकलकर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता में, किसानों में जी। इस कृषि बिल के क्या फायदे हैं इसको लेकर एक चौपाल पंचायत, ठीक है, मतलब ये नितिन स्पष्ट है पर भी शुरू होने वाले हैं, आज से हो रहे हैं जी। नितिन, ये स्पष्ट है कि दो टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं, ये दो तरह की रणनीति है एक साथ। एक तो ये कि बातचीत की जाए, किसानों से संवाद किया जाए सम्मेलनों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, और उसमें उनको समझाया जाए। दूसरा ये कि जो किसान कानून का समर्थन कर सकते हैं या थोड़ी बहुत शंका है उनको बिल्कुल ही मुतमईन कर दिया जाए। शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, आप इस वक्त गाजियाबाद से हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर भी क्या अलग अलग विचार नजर आने लगे हैं जमीन पर या एकदम एकजुट है किसान इस कानूनों के विरोध में? नहीं, रखते होंगे तुम काफी दिन से।
देखिए राजेंद्र, यहाँ पहले दिन से ही हम यहाँ मौजूद हैं, और जिस तरह हम NH9 पर इस समय मौजूद हैं, यहाँ पहले दिन भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। यहाँ लगातार किसानों की वृद्धि बढ़ती जा रही है। पहले दिन ये किसान 300-400 थे, अब ये लगातार किसान 2000 से ऊपर हैं। तो देखने वाली बात है कि लगातार जिस तरह से यहाँ किसान बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसानों की यहाँ जो संख्या जो वृद्धि के होते हुए देखने वाली है, कि यहाँ एकजुटता है किसानों में, यहाँ किसान अलग नहीं है। किसानों ने यहाँ साफ तय किया हुआ है कि हम यहाँ से जब ही हटेंगे, जब तीनों कृषि बिल कानून वापस होंगे, तो किसानों का साफ तौर पर कहना कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उधर दूसरी तरफ जो सरकार के जो मंत्री हैं, कई मंत्रियों के ऐसे बयान आ रहे हैं कि हम पीछे जिस तरीके से कानून बनाया गया है वह किसानों के फेवर में, लेकिन किसानों यहाँ के जो किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं, ये बताइए कि अब तक सरकार ने आपकी बात नहीं मानी और आप लोगों ने सरकार की बात नहीं मानी। सरकार ने बिल संशोधन के बारे में कहा, आप लोगों ने मना कर दिया, अब अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि कई बार की बातचीत हो चुकी है, कई बार आप लोगों की रणनीति बन चुकी है, भूख हड़ताल भी हो चुकी है, अगली रणनीति के बारे में बताइए कुछ। देखो रणनीति तो यह है, सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार गूंगी बहरी हो रही है, ये बिल्कुल भी किसानों की सुन नहीं रही है। जो किसानों की सुने तो हमें क्या मतलब था यहाँ से, क्या नाम ये इतना बड़ा जो यहाँ धरना धरने का मतलब था, जो आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करें, रणनीति तो बने बने, किसान बढ़ता चला जाएगा। जो सरकार का विरोध हो ही रहा क्षेत्र में, और जी पूरे भारत का किसान एक है, हम सब इकट्ठे हैं, सब हम संगठित रहेंगे, वो सरकार के हरेक मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। शक्तिन से पूछिए कि बहुत सारे किसान आज मिलने जा रहे हैं कृषि मंत्री से, किसानों का साफ तौर पर कहना। देखिए बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि कृषि मंत्री साहब मिलने जा रहे हैं बिल के फेवर में, क्या आप लोगों की उनसे भी बात हो रही है, उनसे भी वार्तालाप हो रही है, आखिर क्या उन लोगों को क्या पसंद आ रहा है और आप लोगों को क्या पसंद नहीं है? ऐसा है, जो भी सरकार से मिलने जा रहे हैं वे सरकार के एजेंट हैं, वे कोई किसान नहीं है, वे सब कॉरपोरेट के एजेंट हैं और सरकार के ही एजेंट हैं वे। किसान ठीक तो है शक्ति, किसान तो सड़क पे है, किसान से बात करी नहीं, ठीक है शक्ति, सरकार डायरेक्ट है, किसान से बात क्यों नहीं करती? ऑल राइट, जब वादे गांव में आ गई बात, उन्हें जो मिलने जा रहे हैं रक्षा कृषि मंत्री से आज, उन्हें कॉरपोरेट का एजेंट बता दिया श्रीमान ने, हो सकता है कि ये मतभेद और ज्यादा गहरे दिखाई दें आने वाले दिनों में। हम अब नीतीश पांडे के पास चलेंगे वाराणसी, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में सरकार और संगठन की जो सक्रियता है नीतीश, और आज दिखाई देने वाली है, उसके बारे में बताइए। राजेंद्र जी, आज की अगर बात करें तो 1 बजे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बनारस में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिर्फ किसान सम्मेलन नहीं है ये, बल्कि बीते दिनों जिस तरह से किसानों के समर्थन में राजनीतिक दल उतरे थे, उनका जवाब देने का भी काम किया जाएगा, किसानों की बात समझी जाएगी, उनसे राय मशवरा किया जाएगा, उनसे बातचीत करके इस पूरे बिल को लेकर जो बनारस और पूर्वांचल के किसान क्या सोचते हैं इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें राजेंद्र जी कि बीते दिनों जो आंदोलन हुए उसमें कहीं भी बहुत बड़े स्तर पर किसान दिखाई नहीं दिया, पूर्वांचल का किसान इस पूरे आंदोलन में कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो विरोधी राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं किसानों के बीच जा रहे हैं, उनमें उस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा संदेह है बीजेपी को कि कहीं किसानों के बीच भ्रम की स्थिति फैलाई गई है, उस भ्रम को आज दूर करने का काम किया जाएगा, किसानों को इस पूरे बिल के मसौदे को समझाया जाएगा, और इतना ही नहीं, अगर उन्हें कोई संशय है, उन्हें कोई संदेह है, उसे भी जाना जाएगा, और आगे क्या होगा इस पर यह देखने वाली बात होगी कि क्या किसान वहां पहुंचकर, चूंकि 5000 की संख्या बताई जा रही है जनसा मैदान में पहुंचेंगे लोग पब्लिक स्कूल के, तो 5000 की संख्या में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में किस तरह का बदलाव सामने आता है या किसानों का समर्थन प्राप्त होता है, ये अब देखने वाली बात होगी। ठीक है नीतीश, बहुत धन्यवाद आपका भी अनुभव, आपका शक्ति, नितिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।